खबरों में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम मोहन यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि यहां हमारा सौभाग्य कि सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसके लिए सभी लोगों को बधाई। आगे सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है, हम गांधी सागर अभयारण्य में चीता छोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फेंसिंग और भोजन के प्रबंधन के पश्चात यह कार्य पूरा किया जाएगा। बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज़्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के और देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के इस अवसर पर बधाई। उम्मीद करते हैं परिस्थिति तंत्र के इस संदर्भ में सरकार पूरी समर्थन के साथ लगातार वनों के अंदर सभी वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के जीवन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। मिता प्रोजेक्ट जो गति पकड़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो समय आएगा। वैसे तो अभी हम गांधी सागर में चीता छोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फेंसिंग पूरी हो जाएगी, भोजन का प्रबंधन प्रॉपर हो जाएगा, तो बहुत जल्दी गांधी सागर में चीता छोड़ा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट जो भारत सरकार के माध्यम से अफ्रीका के लिए हुआ है ट्राई पार्टी के नाते से, तो स्टेट उस पर अपना कदम धीरे धीरे सदैव कदमों से आगे बढ़ रहा है। बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है जो